चलो अभी हो रही है। अच्छा तो मैं बता रही थी कि फ्री कंसेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है, जिस तरह हमने बाकी पढ़े कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन को हमने पढ़ा, इसी तरह फ्री कंसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर मिसिंग हो, ये जो क्राइटेरिया आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया है उसमें से कोई चीज़ उसके एम्बिट से बाहर हो, तो इसका मतलब ये है कि कंसेंट फ्री नहीं है। अच्छा अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ज़रूरी है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही, लेट्स सपोज अगर उसमें कोई प्रॉब्लम या इशू होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन या उसका इशू, कोई भी आपका जो आपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कराना है तो आपने कोर्ट के पास जाना है, कोर्ट से अगर आपने रेमेडी लेनी है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही आपको रेमेडी मिल सकेगी। तो ये बात है, तो इसलिए फ्री कंसेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, इसमें जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो को बताता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इसका एक एसेंशियल ये है सेक्शन 14 के मुताबिक कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब वैसे तो कंसेंट समझा जाता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हो रहा है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल रूल है कि फ्री कंसेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये जनरल रूल है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्री कंसेंट होगा। लेकिन एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन एक्सरसाइज हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, या फ्रॉड का केस है, या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के बायस कोई कॉन्ट्रैक्ट इन इन चीज़ों की बेसिस पे बना है, या कोई ऐसी चीज़ में उसमें इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि कंसेंट वॉज नॉट फ्री। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो आपका सेक्शन 14 क्लियरली ये आपको ये 5 पॉइंट्स बताता है, कोर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये बातें आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली बताता है कि ये 5 क्राइटेरियाज हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाती है तो इसका मतलब है कि कंसेंट इज नॉट फ्री, आपकी रजामंदी, आपकी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ये सेक्शन 14 की एज इट इज डेफिनेशन यहाँ से वहाँ से उठाई गई है। लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी जरा टफ होती है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन अब जैसे कोर्जन का पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था तो हम उसको ब्रेक करके उसको उसके एसेंशियल्स बना के उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर पेपर में डिमांड की जाएगी तो आपसे एसेंशियल्स के बारे में, जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। ये आपको इसके इसका रटा लगाने की और इसको सेक्शन 15 और ये इस तरह के जो सेक्शंस हैं उनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्जन में कौन से 3 पॉइंट्स हैं, फ्री कंसेंट में कौन से 5 पॉइंट्स हैं और उनकी क्या बेसिक बातें हैं जो हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं कोर्जन का पॉइंट बताऊंगी तो उसमें मैंने आपके साथ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस, 3 या 4 है मैक्सिमम पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो भी देखते हैं वन बाय वन। कोर्जन यहाँ से ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल एज ए कॉपी पेस्ट है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाई गई है, ये लीगल लैंग्वेज में लिखी गई है, बेयर एक्ट है ये जो ये लिखा गया। इसमें से हम 4 बातें जो हैं वो हम पिक करेंगे। देखो जैसे मैंने पहले बताया था, कोर्जन इज द कमिटिंग, बेसिक इसकी डेफिनेशन कोर्जन की है कि आपने किसी को प्रेशराइज करके किसी को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। इसकी आसान एग्जाम्पल ये है कि किसी लड़की को जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो किसी लड़की को आप प्रेशराइज करें कि निकाहनामे पे साइन कर दो, ये एक कॉर्जन की एग्जाम्पल है। या आप किसी को गन पॉइंट पे कह दें कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दो, कॉर्जन की एग्जाम्पल है। तो ये सिंपल किसी को प्रेशराइज करके कंपेल करना कि वो आपके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो जाए, और उस अब कंपेल आप उसी केस में करेंगे, पहले भी मैंने यही बताया था, कंपेल आप उसी केस में करेंगे जिसमें आपको फायदा हो रहा हो और अगले बंदे को लॉस हो रहा हो, और ये फिजिकल हार्म भी हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल हार्म और लॉस, ठीक है। तो ये बेसिक लेमैन डेफिनेशन थी। जो आपका सेक्शन 15 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आपको ये डेफिनेशन बता रहा है जो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का पर्पज ये है कि वहाँ से ये एज इट इज पिक की गई है। अब इसको ब्रेक करके इसके एसेंशियल्स बनाए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ से कि एक कोर्जन कहते हैं, इफ यू आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट कोई भी एक्ट ऐसा जो कि पाकिस्तानी लॉ ने फॉरबिड किया हो, या आप कुछ ऐसी चीज डिटेन करें या थ्रेट टू डिटेन करें, मतलब कोई चीज़ अपने कब्जे में रख रहे हैं और उस थ्रेट कर रहे हैं कि मैं ये तुम्हारी चीज़ को डिटेन कर लूंगी, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे से आपने अगर कोई काम कराना है तो उसके नतीजे में आप ये दोनों बातें कर रहे हैं, और कोई भी आपकी जो मतलब फ़ायदा लेने की इंटेंशन हो सकती है, पर्पज़ का ये है कि अगले बंदे को आप कॉन्ट्रैक्ट में अपने साथ शामिल कर लें। तो ये बेसिक चीज़ की बात है, इसको भी ब्रेक करते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, और डिटेंशन क्या है और थ्रेटनिंग टू डिटेन क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे आपको। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया कि मेरी जो इंटरनेट कनेक्शन है इज नॉट स्टेबल, कैन यू हेयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम, पहले नहीं आया था, बाहर ही है। तो ये चीज़ मैंने जो समझाई थी कि ये जो बेयर एक्ट की डेफिनेशन है इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट,
और डिटेंशन यानी कि डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, कि कोई चीज को अपने कब्जे में कर लें या कोई चीज मतलब जबरदस्ती किसी की अपने पास रख लें या कम कुछ ऐसे करने का अगले बंदे को थ्रेट करें या कुछ ऐसा कर दें जिससे अगले बंदे को नुकसान पहुंचे, और उसका पर्पज अल्टीमेटली ये है कि आपने किसी बंदे को मजबूर करना है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन पे या प्रॉपर्टी पेपर्स पे या किसी तरह भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाह रहे हैं उसमें आपके साथ शामिल हो जाए। ये बेयर डेफिनेशन है, मतलब बेयर एक्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी में एज इट इज डेफिनेशन ये लिखी हुई है, वहाँ से ये पिक की गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अभी हम इसको ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल्स, और मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मैं ये बता रही है, पहले भी मैंने ये बता रही थी कि इसका जो पर्पज है बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कोएर्शन के कौन से चार की पॉइंट्स हैं, किन एरियाज पे कवर करता है ये। जैसे फ्री कंसेंट है उसमें पांच क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको पता होने चाहिए और वो क्या है बेसिकली, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की बात की तो तीन बातें जो क्राइटेरियाज हैं जो हमने डिस्कस किए, माइनर अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफिकेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्लियर होना चाहिए आपको ये क्या चीज़ें। इसी तरह आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आपसे ये जो बेयर एक्ट की डेफिनेशन है ये लिखने को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बातें, ये सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं आप। इसका जो इसके जो एसेंशियल्स हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट कमिट और थ्रेट टू कमिट, ये हमने उसमें इस डेफिनेशन में से ही एक पार्ट उसका पिक किया। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ये बताता है कि अगर एक कोई बंदा है जो कोई ऐसा काम करता है या थ्रेट करता है कि वो कुछ ऐसा काम कर देगा जिसको पाकिस्तानी जो लॉ है, पाकिस्तान का पीनल कोड, या जो मतलब पीनल कोड से मुराद ये है कि ये जो कोड होता है ना, जो ये जो पीपीसी बेसिकली से बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी एब्रिविएशन है पाकिस्तान पीनल कोड की, इसमें जो सारे ऑफेंसेज हैं वो लिखे हुए हैं, मतलब ऑफेंसेस का जिक्र है और ऑफेंसेस से रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं वो तो खैर सीआरपीसी में आ जाती हैं, ये उस इन ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये जो बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड है इज रिलेटेड टू द ऑफेंसेस, और जिसके जी 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 पूछें मैम, ये जो पीनल कोड है ये कोई अलग है या फिर मतलब पूरे पाकिस्तान में इनकी कोई अलग बनी हुई है, जैसे आम जैसे मतलब कोर्ट होती है वैसी ही सेम है? ये बेसिकली जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, आपका एक स्टैट्यूट है ना जी जी, इसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड भी एक स्टैट्यूट है आपका, 1860 का ही है। ओके मैम, ठीक है। जितने भी इसके लिए मतलब अलग वो अलग किताब है इसकी, दिखाऊंगी आपको, इसकी पिक्चर शेयर करती होगी आपके साथ, कि पाकिस्तानी पीनल कोड में दो फॉर्म्स हैं फर्दर, एक सिविल के साइड को डील करता है और एक क्रिमिनल को डील करता है। इसमें जितने भी ऑफेंसेज है ना, जितने भी जो पिनलाइज इसमें आपको किया जाता है, और जितने भी ऑफेंसेज हैं जिन पे चार्जेस लगा के, फॉर एग्जांपल आपको जुर्माना कोई आप पे लगा दिया या आप पे कोई जो है वो आपको इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलती है, ये सारे ऑफेंसेज के जो चार्जेस हैं ना वो उसमें लिखे हुए हैं कि किस किस हद में कितनी आपको सजा होगी। अब जैसे देखो आपको कैसे पता कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको फांसी की सजा होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये कहीं ना कहीं लिखा होगा ना किसी एक्ट में, किसी किताब में, किसी स्टैट्यूट के मुताबिक कोर्ट डिसीजन देता है ना, तो ये वो वाली उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। मैम इसमें जितने भी मतलब वो हैं कि अगर मैं दोनों को ही फायदा हो रहा है, मिसाल तो दोनों पार्टनर का, लेकिन एक करना ही नहीं चाह रहा दूसरा उसको जबरदस्ती करवा रहा है, तो भी हाँ, ये इसी इस एक्ट में आएगा 18। हाँ ये इसमें देखो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये चीज जो है वो फॉरबिडन बाय द लॉ है। आपको कोएर्शन क्या, जो हमने टॉपिक पढ़ा, इससे आपको ये पता चल गया कि कोएर्शन है एंड इट इज नॉट अलाउड इन द लॉ, ठीक है। ये तो चीज यहाँ से पता चल गई। अब इसकी सजा क्या है अगर लेट्स सपोज ऐसी कोई चीज हो जाती है, और इसकी इसके जो इसकी जो चार्जेस हैं आप क्या लगेंगे ये इस ऑफेंस से रिलेटेड, वो आपको पाकिस्तानी पीनल कोड से पता चल जाएंगे। ये दो तरह का होता है, मतलब इसमें एक सीआरपीसी होता है क्रिमिनल, उसमें क्रिमिनल केसेस के बारे में बात होती है, एक सीपीसी होता है जिसमें सिविल के केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये चीजें हैं इसमें दो, इसको अलग अलग जजेस वो उसको होंगे जी, देखो जो हैंडल करते हैं सारे केसेस को अलग। समझ नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा बताओ क्या पूछ रहे हो? ये कह रहा हूं कि जो क्रिमिनल केसेस हैं ये दूसरे जो केसेस हैं मतलब ये वाले ऑफेंसिव हैं, ये दोनों अलग अलग जजेस वो करते हैं या एक ही जज इन दोनों को तमाम केसेस को हैंडल करता है? देखो ये जैसे डिपेंड करता है कि आप जो किस कोर्ट में किस जज के पास किया जाता है, ये एक्सपर्टीज पे भी बेस करा होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं एज अ लॉयर फैमिली लॉ को प्रैक्टिस करती हूँ, देखो हमारे पास एज अ लॉयर अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो देर आर सो मेनी फील्ड्स ना, अगर मैं चाहूँ तो मैंने पढ़ा तो है ना सारा लॉ, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं फैमिली लॉ में भी जा सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं बैंकिंग लॉ में भी जा सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी केसेस सिविल केसेस में भी जा सकती हूँ।
और अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ, मेरा इंटरेस्ट हो, तो मैं क्रिमिनल लॉ की तरफ भी जा सकती हूँ। तो ये अलग अलग कोर्ट्स बने हुए होते हैं जो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, कुछ सिविल केसेस को डील करते हैं। जिन जजेस की एक्सपर्टीज जिनमें होती है, फिर उनको उसी तरह की केसेस मिलते हैं ना। जैसे मैं हूँ, अगर मैं सिविल के केसेस प्रैक्टिस करी हूँ, तो मैं उन्हीं कोर्ट्स को एक्सेस करूंगी और वही जजेस के सामने मेरे मुकदमा पेश होंगे ना, लगेंगे, जो जिनकी एक्सपर्टीज है हमें। यस मैम, तो ये बात है। तो बहरहाल ये जो पाकिस्तानी पिनल कोड जिसको प्रोहिबिट करता है, इसमें एक तो ऑफेंसेस की बात है, और फिर दूसरा सीपीसी और सीआरपीसी को भी दबाव में थोड़ा रखना है कि वो भी आपके सिविल के केसेस को देख रहा होता है। लेकिन ये तो एक्ट से रिलेटेड बात है ना, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और एक जनरल बात ये है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कोअर्जन एक्सरसाइज हुआ है, और अगले अगले एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को थ्रेट किया है, या कुछ ऐसा काम किया है जिसका जो आपके लॉ में मना है, और उसका पर्पज़ ये था कि उसको दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। देखो देखो, कानून की तो हर चीज में आपको लॉ इन्वॉल्व मिलेगा। अभी जैसे अभी आप अपने पीछे माइनॉरिटी का पॉइंट पढ़ा, उसमें आपने देखा कि एक मेजोरिटी एक्ट 1875 है, उसको कंसल्ट कर लें अगर आपने डिटेल में जाना है। इसी तरह ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, इसमें मैक्सिमम डिस्कशन आपके कॉन्ट्रैक्ट से, बिजनेस से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आपने मजीद डिटेल में जाना है, तो फिर आप ये पाकिस्तानी पिनल कोड में सीआरपीसी को देख लें, सीपीसी को देख लें। तो ये सारी की सारी स्टोरी है कि मतलब जितना आप डीपर जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसमें बेतहाशा वो उस चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमारा इस वक्त जो स्कोप है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो हम उससे रिलेटेड बात पढ़ें और हम बेसिक सिंपल रूल अंडरस्टैंड करें। हम अभी कोई केस के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे। एक सिंपल रूल है, वो ये है कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो होता है, देखो उनने कोई सिनेरियो तो स्पेसिफाई नहीं किया ना कि किस सिनेरियो में, ये तो एक जनरल उसने रूल बता दिया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जो है वो कॉजन है। अब वो क्या सिनेरियो हो सकता है, और अगर सपोज ये सिनेरियो होता है, तो इसके केस में क्या सजा है, ये आपको पाकिस्तानी पिनल कोड से पता चल जाएगी। तो ये बेसिक सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जांपल देखो कि एक पार्टी है वो दूसरे को थ्रेट करी है कि आई शूट यू अगर तुमने ये अपना घर रेंट पे ना दिया, मतलब मेरे साथ रेंट डीड जो है वो साइन ना की, वो एग्री कर देती है दूसरी पार्टी, और ये दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाता है। लेटर ऑन जो दूसरी पार्टी है वो जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाके केस फाइल करती है कि कोर्जन के तहत मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, आई कैन नॉट परसू इट, ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाए या इसको टर्मिनेट किया जाए या मुझे रिमेडी दी जाए। तो फिर कोर्ट जो है वो सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं और जो प्रायर इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको करने के बाद सारे एक सबूत और गवाहान को देखने के बाद फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ आती है। तो ये बेसिक सी बात है, इसमें एक एक एस्पेक्ट हमने उसकी डेफिनेशन का ये देखा। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है डिटेन और थ्रेट टू डिटेन। डिटेन और थ्रेट टू डिटेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा अनलॉफुली किसी की कोई चीज़, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एसेट हो सकता है, हथियार लेता है, डिटेन कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, या उसे थ्रेट करता है कि आई विल डिटेन इट, आई विल डिटेन योर प्रॉपर्टी, आई विल डिटेन दीज डॉक्यूमेंट्स, आई विल डिटेन दिस एसेट ऑफ योर्स, और उसका पर्पज ये होता है कि वो दूसरे बंदे को कंपेल करे कि तुम मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर लो, तो इसको भी कहते हैं कि कोअर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन है। अब ये जो वॉइडेबल वाली बात है, ये मैं आगे चल के बताती हूँ, लेकिन अभी तक मैं जो सिंपल पॉइंट है वो ये है कि अगर डिटेंशन है या थ्रेट भी है इवन फॉर द डिटेंशन, तो उस केस में ये क्वेश्चन के केस में आएगा। जैसे एग्जांपल्स में दी हुई है, मैंने पहले भी बताई थी, एक टीचर के लिहाज से मैं अगर इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करें, फिर बाद में इसमें आते हैं कि मैंने ये बताया था कि एज अ टीचर मेरी सीट को मैं अगर मैं लेट्स सपोज मैं अपनी सीट से रिजाइन करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी सीट को फिल करने के लिए कोई दूसरा टीचर आएगा, तो मैं जो हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर होती है ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो मैं रोक लूँ और वो मैं नए आने वाले टीचर को ना दूँ, और मैं उनसे कहूँ कि मैं तब ये हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर करूँगी, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ तब शेयर करूँगी अगर मुझे एम्प्लॉयर मेरे पैसे दे दे, रिलीज कर दे मुझे, तो फिर मैं दूंगी। तो अगर इस बात से प्रेशराइज होके मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे पेमेंट मेरी रिलीज कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसने अंडर कोअर्शन ये पेमेंट मुझे रिलीज की है। ठीक है, तो ये बात है, हो सकता है इस पे अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ये केस चीज अगर प्रूव हो जाती है तो ये मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि मैंने कोर्जन एक्सरसाइज किया है इस सिनेरियो में। इसी तरह ये इस एग्जांपल में जो आपकी किताब की है, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक एजेंट है, वो अपनी ड्यूटी जो है वो दूसरे, मतलब वो शायद रिजाइन कर रहा है या उसको रिमूवल हो गया या जो भी सिनेरियो है, अच्छा उसकी जगह कोई दूसरा एजेंट अपॉइंट हुआ है, और ये वाला जो एजेंट है जो जा रहा है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हैंड ओवर नहीं करा पुराने एजेंट को, नए एजेंट को क्यों नहीं कर रहा, वो कहता है कि अगर मुझे अब जब तक प्रिंसिपल जो है मेरा मुझे सारी की सारी लाइबिलिटीज से रिलीज नहीं करेगा, तब तक मैं तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंड ओवर नहीं करूंगा। अच्छा, अब अगर प्रिंसिपल प्रेशराइज होकर रिलीज डीड दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों ने जो रिलीज डीड दी गई है, जो साइन रिलीज डीड पे हुए हैं, ये अंडर कोअर्शन हुए हैं
एंड इट कैन बी क्वेश्चनेबल, इस पे केस फाइल हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस ऑफ कोअर्जन, फ्री कंसेंट को पॉइंट बना के, फ्री कंसेंट में कोअर्जन को पॉइंट बना के आर्ग्यूमेंट का बेसिस पे किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये बात है। फिर देखो थ्रेट टू थर्ड पार्टी, इस पॉइंट में मैंने ये बताया था पहले भी और अभी दोबारा भी बता रही हूँ कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब थर्ड पार्टी दो तरीकों से इन्वॉल्व हो सकती है। कोअर्जन जो आप एक्सरसाइज करें, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके बीच में हो रहा है, दो पार्टीज हैं, लेकिन इसमें अब जो कोअर्जन है वो या तो थर्ड पार्टी के थ्रू होगा या थर्ड पार्टी के थ्रू मुझ पर होगा, ठीक है। मतलब कैसे, जैसे इनडायरेक्ट कोअर्जन की बात देखो, तो उसमें मैं और एक मेरे ऑपोजिट एक पार्टी है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करी हूँ, और इसमें आप किसी थर्ड पर्सन यानी कि मेरे किसी क्लोज रिलेशन को, मेरे किसी फ्रेंड को या किसी क्लोज रिलेशन, जैसे इसमें इसने एग्जाम्पल दी है सन की एग्जाम्पल दी है, तो उसको आप नुकसान पहुंचाएं, उसको आप थ्रेट करें, उसके या उसके साथ कुछ ऐसा कर दें या उसको डिटेन कर लें और मुझे प्रेशराइज करें कि मैं कोई आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लूं, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट कोर्जन। डायरेक्ट कोर्जन ये होता है कि आप मुझे थ्रेट करें या मैं किसी दूसरी पार्टी को थ्रेट करूं डायरेक्टली जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और मैं उसे कहूं कि ये तीसरे बंदे का काम कर दो, ये जैसे ये तीसरे बंदे के साथ ये ट्रांजेक्शन कर लो, मैं आपको डायरेक्टली थ्रेट करूँ, तो ये डायरेक्ट थ्रेट की एग्जाम्पल है। तो ये जो है दो सिनेरियोज हमने डिस्कस, तीन सिनेरियोज बल्कि हमने डिस्कस किए, थ्रेट टू थर्ड पार्टी के हवाले से भी और डायरेक्टली भी हमने डिटेंशन के हवाले से भी और कमिटिंग के हवाले से भी। फिर ये पाकिस्तान पीनल कोड की बात है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी ऑफेंसेज जो चार्ज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। अच्छा, अब ये कहता है इसके मुताबिक इट डजेंट मैटर वेयर कोअर्जन इज एम्प्लॉयड। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले भी क्लासेस में शायद डिस्कस की हो आपके साथ, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि देखो इस वक्त हमारा जो स्कोप है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो हम उसके हवाले से बात करें, लेकिन अगर जब जब एक एज अ लॉयर मैं केस को देख रही होती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे जहाँ से जो रेलिवेंट सेक्शन मिलता है या जो मेरा जो स्टैट्यूट मेरे केस को सपोर्ट करा होता है मैं उसको बेस बनाती हूँ। जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान पीनल कोड है, इसको देखा जाए अगर, तो ये कहता है कि कोअर्जन जिधर मर्जी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोअर्जन आपने एक्सरसाइज हो गया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर वो केस फाइल होता है पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई होगा ना उस पर। अच्छा, अब ये तो चीज़ ये सिंपल सिनेरियो है, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बता रहा है। अब सपोज करो कि अगर कोअर्जन एक्सरसाइज हुआ है बाहर, और बाहर किसी मुल्क में एक्सरसाइज हुआ है और वो दोनों लोग जो हैं वो सिटीजन जो हैं वो बाहर के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, और केस जो है वो आते हैं पाकिस्तान में लेके, तो क्या उस पर पाकिस्तानी लॉ अप्लाई होना चाहिए या इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होना चाहिए? तो फिर उस ये प्रोविजंस देखी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से जो मैक्सिमम सूटेबल पोजीशन होती है वो ली जाती है और फिर उसके हिसाब से केस को डील किया जाता है। तो इसमें फिर समटाइम्स जब इस किस्म के इंटरनेशनल जहाँ पे कंट्री लेवल इन्वॉल्व है या जहाँ पे ऐसे फॉरेन सिटीजन इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस वक्त हमने इन चीज़ों के साथ इसको मिक्स नहीं करना और कंफ्यूज नहीं करना। देर आर सर्टन पॉइंट्स ऐसे हुए हैं जिसपे मतलब हो जाती है डुप्लीकेशन हो जाती है कि दूसरे लॉ के पर्सपेक्टिव में बात हो जाती है, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। जो चीज़ें हम डिस्कस करें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बता रहा है जहाँ। और एक चीज़ और ये कि जैसे अब एक केस है ना, लेट्स सपोज उसके उसमें दो पार्टीज हैं ना, दोनों पार्टीज की तरफ अपने अपने लॉयर्स हैं, तो दोनों पार्टीज में देखो अब मैं भी उसी पॉइंट के लिए मेरा स्टांस कुछ और है, दूसरी पार्टी का स्टांस कुछ और है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही केस के लिए दो बंदे हैं और वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ लड़ रहे हैं? तो वो इसी बेसिस पे होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने कोई केस फाइल हुआ है और उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपने किसी अपने क्लाइंट को देख रही हूँ, तो मैं वो सेक्शंस एंड वो स्टैट्यूट्स गो थ्रू करूंगी ना जो मेरे केस को स्ट्रॉन्ग करें, और वो जो दूसरी पार्टी है वो केसेस देखेगी, वो स्टैट्यूट्स देखेगी, हो सकता है वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ को इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वो सूटेबल नहीं लगता, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल कर लूंगी। तो ये चीज़ मैटर करी होती है, तो इसलिए इन चीज़ों से, इन कन्फ्यूजन से जब कोई दो चीज़ें आपके सामने आए तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो कोलिजन है ना, जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो पॉसिबल हो सकती है और वो हम आगे गो थ्रू भी करेंगे कि वो कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी देनी थी जहाँ तक ये पाकिस्तान इसका सवाल है कोअर्जन का, उसमें आपका बेसिक रूल है वो ये है कि कोअर्जन जहाँ कहीं भी एक्सरसाइज हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो में डिस्प्यूट आता है और वो केस फाइल होता है पाकिस्तान की कोर्ट में, तो जो पाकिस्तान की जो सारी प्रोविजन हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की या जो पीनल कोड से रिलेटेड जो ऑफेंस से रिलेटेड आपकी पनिशमेंट्स या जो भी फाइन है या जो भी इसके प्रोसीजर है वो पाकिस्तानी फॉलो होगा फिर, ठीक है। यही इसने एग्जांपल दिया है कि दो पार्टीज हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक शिप में थे और वो शिप जो था वो नियर ज्यादा था, जैसे ही वो शिप लैंड किया कराची में तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पे केस फाइल कर दिया, उसको सू कर दिया कि वो कराची हाई कोर्ट में कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अंडर कोअर्जन साइन हुआ है।
तो अगर ये वो चीज़ प्रूव कर जाती है तो ऑब्वियसली उस पर जो पाकिस्तानी लॉ है रिलेटेड टू दैट वो इम्प्लीमेंट होगा, जो भी उसके नतीजे में उसको अगर जुर्माना पे करना पड़ता है या फाइन हो जाता है या उसको इम्प्रिजनमेंट होती है, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तानी पीनल कोड. ठीक है, देखो पीनल से ही आपको पता चल जाना चाहिए, पीनलाइज करना, पेनल्टीज ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो चार्जेस होते हैं वो चीज़ें इसमें मैंशन होती हैं. तो ये सारी की सारी इसमें कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई. फिर उसके बाद अगला जो मतलब ये पॉइंट एटीन है, सेवेंटी सॉरी 1872 मैम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला? ये पाकिस्तानी पीनल कोड में देखो शायद सीआरपीसी या सीपीसी है, इसको चेक करना मुझे पड़ेगा, चेक करके मैं आई कंफर्म यू. ये पाकिस्तानी पीनल कोड की जो कहानी है इसके जो एग्जैक्ट ईयर है वो मैं आपको देख के बता सकती हूँ, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है. हाँ इसको मैं देख के आपको कंफर्म करती हूँ और इसके साथ आपकी आपके साथ शेयर करती हूँ अगर इसकी कोई बुक मेरे पास पड़ी हुई है एज अ जो मैंने स्टडी की हुई है, तो आई लेट यू नो फिर. या आप भी देख लीजिएगा इसका जो ईयर है एग्जैक्टली, आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा. एक सीपीसी होता है जो सिविल केसेस को देखता है, एक एक सीआरपीसी होता है, और ये दोनों अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपीसी आते हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. ओके मैम, ठीक है, तो ये है. तो खैर ये जो सारी डिस्कशन थी, अभी हमारा जो फोकस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो फ्री कंसेंट का असेंशियल है उसको देखा, उसमें हमने कोर्जन को देखा, कोर्जन के बारे में जो भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ये एक एडिशन पॉइंट है समझाने के लिए था कि उसमें क्या था कि कमिट और थ्रेट टू कमिट, डिटेन और थ्रेट टू डिटेन, और थर्ड पार्टी के परस्पेक्टिव में जो हमने बातें पढ़ी कि जरूरी नहीं है कि कोर्जन डायरेक्ट ही हो, थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है और थर्ड पार्टी में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की. अगर ये कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है, लेट्स सपोज दो पार्टीज के बीच में, मेरे और आशा के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और मुझे बाद में मैंने साइन करके कहा कि ये तो मेरे साथ कोर्जन एक्सरसाइज हुआ है, तो आई हैव टू प्रूव इट बिकॉज आई हैव चैलेंज्ड द कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट मुझसे ये कहेगी कि मैं इसको प्रूव करूँ. जो अग्रीड पार्टी होती है जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई भी होती है, जिसके साथ कोर्जन एक्सरसाइज हुआ होता है, कोर्ट उसको कहता है कि आप प्रूफ करें. अगर मैं अपने सबूत पेश करके कोर्ट को इस बात पर कन्विंस कर लेती हूँ कि मेरे साथ कोर्जन हुआ था, तो फिर क्या होगा उसका नतीजा, उसका आउटकम ये निकलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल डिक्लेयर होगा, कि कोर्ट जो रेमेडी मुझे देनी है वो तो मुझे मिलेगी, लेकिन कोर्ट मुझे ये ऑप्शन देगा कि अगर मैं चाहूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं परसू कर लूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ, कैंसिल कर दूँ. तो मुझ पर कोई बार नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि दूसरी पार्टी मुझ पर ये केस फाइल नहीं कर सकती कि मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया. मैम जी, ऐसा कोई कर सकता है कि अगर दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई वो है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, देन वो एक बंदा वो इस बात पे कर देता है कि भाई नहीं, अब जिसने मेरे साथ कोर्जन एक्सरसाइज किया तो मैम फिर दोबारा उसको प्रूव करना पड़ेगा? मतलब दोबारा से जरा एक्सप्लेन करो. दो पार्टीज हैं, उनके बीच में एक ने ये केस फाइल किया है कि मेरे साथ कोर्जन एक्सरसाइज हुआ है और केस फाइल कर दिया, तो फिर मतलब उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट की विद इन, मतलब दोनों और वो थे ठीक है भाई हम एग्रीमेंट करते हैं, आफ्टर एग्रीमेंट वो कहते हैं कि नहीं मेरे साथ कॉलेज एक्सरसाइज हुआ, पहले हाँ यानी कि तो इस ठीक थे मतलब पहले मामला ठीक थे आपस में, तो उन्होंने साइन मतलब हो गए, राजी थे अपनी म्यूचुअल कंसेंट से किया, बाद में उसने चीटिंग एक तरह से सॉर्ट ऑफ बता रहे हो ना कि मतलब उसको परेशान करने के लिए और एज अ चीटिंग करने के लिए उसने उसकी ये कह दिया कि मेरे साथ कोर्जन एक्सरसाइज हुआ था. तो ये ऐसा होता है, ये पॉसिबल है, ये हो सकती है सिचुएशन, वैसे मैं जी, यही कह रहा मैम। बिल्कुल हो सकती है ये. देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बात यह है कि अगर लेट्स सपोज जैसे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में देखो एक टिपिकल एग्जांपल, मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए, जैसे देखो किसी लड़की के को आप प्रेशराइज करें और उसे कहें कि इस निकालनामे पे साइन कर दो और वो साइन कर दे, तो मतलब इसमें हो सकता है ना, ये चीज़ होती भी होगी माशरे में, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें तो चलती हैं. अगर मैं आपके साथ किसी इलीगल चीज़ की ट्रांजैक्शन भी कर लूँ या जो ऐसी चीज़ की ट्रांजैक्शन भी कर लूँ जो जो अलाउड नहीं है, जो लॉ में फॉरबिडन है, जो जिसकी हमें कोर्ट इजाज़त नहीं देता, तो ट्रांजैक्शन तो वो भी हो सकती है ना. लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें तब रेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिमिडीज लॉ तो प्रोवाइड कर रहा है, लॉ तो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोर्जन हुआ है तो आओ और आगे साबित करो, इंसाफ ले लो, लेकिन ये चीज़ें तब इन्वोक होती हैं जब आप कोर्ट के पास जाते हैं ना, कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं और आप वहाँ पे जस्टिस ही करने की कोशिश करते हैं. अगर आप नहीं जाते और आप बर्दाश्त कर लेते हैं कोर्जन के नतीजे में जो आपने एग्रीमेंट निकाना में साइन कर दिया और आप अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजार लेते हैं, तो इट्स अप टू यू, ये तो आप पे है ना. अब जैसे आगे अंडू इन्फ्लुएंस पढ़ोगे वो और भी थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें आप देखेंगे कि अंडू इन्फ्लुएंस यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे के साथ अंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन ये एक तो हमारा कल्चरल एलिमेंट है ना
कि हम ये चीजें नहीं करते या होती नहीं है या प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन आपको लॉ तो ये फैसिलिटी दे रहा है ना। तो और ये जो दूसरा सर, एक तो सिनेरियो ये है, और जो दूसरी सिचुएशन जो आपने बताई है वो भी होती है पॉसिबल। लोग झूठे मुकदमे भी करते हैं और ऐसे चलते भी हैं, और लोग कई कई साल ये मुकदमे चलते भी रहते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्योंकि देखो कोर्ट तो मॉरल पुलिसिंग तो नहीं करता ना, कोर्ट का काम तो ये है कि जो मेरे सामने एविडेंस आया है, जिसका एविडेंस ज्यादा स्ट्रांग है उसके केस में, उसके फेवर में वो फैसला दे दिया जाता है। तो कोर्ट तो सबूतों को देखता है, गवाहों को देखता है। तो अगर झूठ भी है इवन, अगर उसने ये साबित कर दिया तो फिर वो क्या किया जा सकता है? कोर्ट तो सबूतों को देखेगा ना। कोर्ट ने ये तो नहीं जाके चेक करना कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो तो मैक्सिमम जो इंस्पेक्शन या चेकिंग और वेरिफिकेशन होगी वो आपके एविडेंस की होगी या आपके गवाहों की होगी। इवन एक बंदा झूठी गवाही जाके कोर्ट में दे देता है कुरान पे हाथ रखे, तो कोर्ट क्या कर सकता है फिर? मतलब वो तो जो अपेरेंट आपके गुड फेथ में जो आपके पास चीजें आ रही हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो वो प्रूफ्स की इवेल्युएशन होती है ना, जो एविडेंस होते हैं उनकी इवेल्युएशन होती है। तो ये बात है मैम, फिर ये तो इनजस्टिस हुआ ना मैम फिर तो। देखो अब कोर्ट का काम ये तो नहीं है ना कि जाके मॉरली किसी बंदे को वेरीफाई करे कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। कोर्ट जो है, लॉयर्स का काम ही होता है कि लॉयर्स प्रेजेंट करते हैं कि ये जनाब ये मेरे एविडेंस हैं, और ये जो है वो दूसरी पार्टी प्रेजेंट करती है कि वो उसके एविडेंस है। फिर दोनों में से जिनमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है और जिसका केस ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोर्ट उसके केस में फेवर दे देती है। कोर्ट ने तो कहा तो ये काम है ना। अब अगर हर बंदे के पीछे जाके वो इस तरह वेरीफाई करने लगे और इस तरह वो जो डिटेक्टिव वाला गली वाली काम जो है वो करने लगे, तो फिर तो एक ही केस के पीछे वो जज सारी जिंदगी लगा रहे, तो उन्होंने तो कितने केसेस निकालने होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप स्ट्रांग रखें ताकि प्रूव करना आसान हो आपको। आपने आप देखते नहीं है कि जैसे कोई केस होता है तो उसमें किसी पार्टी के अगेंस्ट जो है वो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या कुछ इस किस तरह की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं कि आप उसको उनके कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हैं, किस तरह से कितने सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप मतलब कोर्ट ने जो आपके सामने एविडेंस है उसको देखना है और उसको वेरीफाई करना है, उसको उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जो मेरे टेबल पे चीज आ जाती है इन जो लॉयर मुझे प्रेजेंट करता है, जो भी जो एविडेंसेज हैं, जो पेपर्स हैं, तो उसको उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। हर काम का हर उसका एसओपी होता है ना, प्रोसीजर होता है जो आपने फॉलो करना होता है, तो कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करती है। अब ये तो पार्टीज पे होता है ना कि वो कितने अच्छे अपने एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कितने अच्छी तरह आपका लॉयर केस को प्रेजेंट करता है, कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देता है। यहाँ पे लॉयर की ड्यूटी भी आ जाती है ना फिर। इसी तरह तो कहते हैं कि अच्छे लॉयर में और एक ऑर्डिनरी लॉयर में क्या फर्क होता है, ये जो दाव पेज की बात होती है वो यही होती है, यहीं पे आके आपको फिर फायदा देती है ना। तो ये बात है, अपने परेशान घबराना नहीं है आपने मैम। जज के साथ साथ तो वो अंडर द टेबल भी होता है ना जो आप। हाँ बिल्कुल, वो आजकल तो यही चल रहा है। बिल्कुल ये भी होता है, 99% यही चल रहा है। बिल्कुल इसीलिए लोग भागते हैं ना। देखो यहाँ पे एक तो चीज़ जैसे वो जो तारीखें दे दी जाती हैं, एक तो वो सिनेरियो भी होता है कि कई कई लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी केसेस नहीं सॉर्ट आउट हो रहे होते, लोगों को कितने कितने साल सजाएं काट लेते हैं लेकिन उनके मुकदमे नहीं सुने जाते। और हमारे तो कोर्ट्स में यही इशू सबसे ज्यादा है कि जेलें भरी हुई हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उनके पास लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपना केस जो है वो लगवा सके अदालतों में, लॉयर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, वहां भरने के लिए भरने के लिए पैसे नहीं है। तो ये इश्यूज तो हैं मैम, हर तारीख पे आपको जाके 5 से 10 हज़ार दे के फाइल ऊपर करवानी पड़ती है, तब आपको वो बारी आती है। बिल्कुल, तो ये जो बिटर रियलिटीज है ना ये तो है साथ साथ, लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको जो कोर्ट जो आपका लॉ है, देखो लॉ ने तो आपको हर फैसिलिटी दी है। अब ये हमारा सिस्टम है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है ना, कि गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं और ठीक खासे काम नहीं हो रहा। मतलब जो भी ये जिस तरह से ये जो केसेस हैं, जो भी सिनेरियो हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ सामने, कि किस तरह जो केसेस हैं वो प्रोलॉन्ग होते हैं, किस तरह से जो पार्टीज हैं एक दूसरे को मैनिपुलेट करती हैं, किस तरह से लॉयर्स इवन पार्टीज को मैनिपुलेट करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि हम देखते होते थे, मतलब एज अ लॉयर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हम आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं और आपस में आपकी इंटरेक्शन होती होंगी, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि मतलब लोग समझते हैं कि लॉयर एक केस जीत जाता है तो उसका बड़ा मतलब नाम हो जाता है, रिप्यूट हो जाती है। तो लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर वो केस हार जाए तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि उसकी एक इनकम लगी रहती है हर केस पे, हर सुनवाई पे, हर मतलब मीटिंग पे उसको पेमेंट मिल रही होती है, तो उसका खर्चा चलता रहता है। तो ये
हर हर सिनेरियो है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं और डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमें ये देख लें कि लॉ क्या क्या हमें चीज़ें प्रोवाइड कर, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लॉ मेकिंग हुई हुई हो, आपके पास लॉज मौजूद हों, तभी तो वो इन्वोक होगा, तभी तो वो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। मैम जैसे अभी ये मीर शकील का केस चला था, इतने से बाद उन्होंने कहा कुछ भी नहीं इनको, मतलब झूठ था सब कुछ, वो हाँ बिल्कुल ठीक है तो कोई भी केस नहीं है। हालांकि ये मैम सारे इतने अरसे बाद उन्हें सब कुछ करना था, कुछ भी कोई क्लियर नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ, बस रिहा कर दिए, बेल दे दिए। तो ये यही कानूनी नुक्ते होते हैं ना, जो फिर ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है कि आप किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, और एक पॉइंट पे आपको लग रहा होता है कि एक लॉयर उसी पॉइंट पे उसी सेक्शन को देख के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये कॉजन है, उसी सेक्शन को देखते हुए दूसरा ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कॉजन नहीं है। तो ये इंटरप्रिटेशन जितनी लॉयर कोई ज्यादा बेहतर करता है उतना उसका केस स्ट्रांग होता है, उतना वो चीज़ प्रूव कर देता है कोर्ट को, और जिसके जिस पॉइंट की बेसिस पे केस फाइल किया गया होगा दूसरे लॉयर ने उसको उसी के पॉइंट पे जो है वो डिसअप्रूव करा दिया होगा। तो ये चीज़ें चलती हैं, हमने इस वक्त सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या क्या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें मैक्सिमम हम डिस्कस कर लें कि जो ज़रूरी है और हमें पता होने चाहिए, और ये इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो लॉयर का काम है, वो लॉयर ने करना है और आपने उससे कराना है। वो जितना बेहतर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेगा, जितनी एप्लीकेशन उसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितने उसने ज़्यादा स्टैट्यूट्स पढ़े होंगे, तो वो कंबाइन कलेक्टिवली जो अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेगा, जो फ्रेमिंग करेगा इश्यूज की, फिर जब वो दावा दायर करेगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा। तो ये बात, उसको फिर काउंटर करने के लिए अगली पार्टी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात है सारी की सारी, और कोर्ट जो है इन दोनों ये जिरह की बेसिस पे डिसाइड करता है कि क्या कौन सी पार्टी जो है वो, एक विट होती है ना, जजमेंट पास करता है कि कौन सी पार्टी जो है वो राइट पे। तो ये बेसिकली सारी की सारी स्टोरी थी जो हमने डिस्कस की कोर्जन के पॉइंट में। अब देख लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, किसी पार्टी को इन्फ्लुएंस करना अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है। देखो सबसे पहले पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, कोर्जन में भी प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल हार्म था, या जैसे किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल लॉस उसको प्रोवाइड कर देना, पहुंचा देना, ये इस किस्म का चीज़ थी, या थर्ड पार्टी के थ्रू उसको तकलीफ पहुंचाना। अब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सरसाइज हो रहा है ये मेंटल प्रेशर है, यहाँ पे उसे कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, या उसकी कोई चीज़ नहीं चुराई जा रही, उसे उसे मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है, मोरली उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। और कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसमें जो दो पार्टीज में से एक पार्टी है वो डोमिनेंट पोजिशन पे है, दूसरी पार्टी जो है वो वीकर पोजिशन पे है, लेकिन कर इसमें भी एक उसे वो कंपेल ही रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें हमारे साथ, लेकिन जो सिचुएशन है वो देखो डिफरेंट है, यहाँ पे मॉरल और मेंटल प्रेशर है। और जो पार्टीज हैं उनमें से दोनों पार्टी सेम लेवल पे नहीं है, एक पार्टी स्ट्रांग लेवल पे है, डोमिनेंट है, और दूसरी पार्टी वीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में दी हुई है वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अनड्यू एक कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली है होगी, अगर उसमें जो रिलेशंस हैं सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन द पोजीशन ऑफ टू डोमिनेट, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं और दो पार्टीज में से एक पार्टी की पोजीशन जो है वो डोमिनेट करने वाली है, और दूसरी की पार्टी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी उसे वीकर है, और वो जो पार्टी है जिसकी पोजीशन डोमिनेट करने वाली है वो उस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कोई अनफेयर एडवांटेज जो है दूसरी पार्टी से हासिल करना चाह रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस पहली पार्टी ने जो डोमिनेंट है उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है दूसरी पार्टी पर। समझ में आई, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको ब्रेक करते हैं, इसके एसेंशियल्स देखते हैं, फिर आपको मजीद क्लैरिटी होगी। ये बेसिकली आपके लीगल जो आपका स्टैट्यूट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उससे ये डेफिनेशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से उठाई गई है। इसको ब्रेक करते हैं और इसके देखते हैं कि इसके क्या क्या इसमें एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले देखो हमने बात जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने आपको बताई कि एक पार्टी है जो डोमिनेंट पोजीशन पे है। सबसे पहले ये जब ये अगर ये केस आप इस केस बेसिस पे लेके जाते हैं कोर्ट के पास कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे से साइन कराया गया है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे आके मैंने कर दिया, तो मुझे इससे पहली बात तो ये कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं करना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इसके इसकी रिमेडी दी जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो एक पार्टी जिस जो दूसरी पार्टी है, यानी कि मैं अगर ये केस लेके जाती हूँ कि मेरे साथ ये ज्यादती होगी है, मैं गरीब पार्टी हूँ, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो दूसरी पार्टी थी वो डोमिनेंट पोजिशन में है, और ये जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो इस तरह का है कि जिसमें दूसरी पार्टी डोमिनेंट पोजिशन पे है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर स्टूडेंट के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक जो है वो फादर सन के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, और एक जैसे अभी एग्जाम्पल दी हुई है स्पिरिचुअल एडवाइजर है और उसके जो फॉलोअर हैं उसके बीच में हो सकता है।
तो ये है. फॉर एग्जाम्पल देखो अभी इसमें इसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि एक स्पिरिचुअल एडवाइजर है, वो अपने फॉलोअर को ये कहता है कि उसे वो गिफ्ट करे प्रॉपर्टी ताकि उसे अगले जहान में बेनिफिट्स मिले. तो ये जो है वो गिफ्ट जो है वो इज ऑब्टेन्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस. तो ये बिकॉज ए वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट, ये डोमिनेट क्योंकि वो स्पिरिचुअल एडवाइजर था, उसका इन्फ्लुएंस है अपने जो फॉलोअर पे, और वो उसे प्रॉपर्टी ले लेता है एज अ गिफ्ट और उसे कहता है कि उसके बदले तुम्हें जो है वो अगले जहान में फायदा होगा. तो मतलब ये एग्जाम्पल का बताने का मकसद ये है कि इस तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जाता है अपने जो दूसरी पार्टी है उस पर. तो ये मैं दो चीज़ें याद रखने वाली हैं. पहली चीज़ तो ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो की पॉइंट है, एक पार्टी पोजिशन टू डोमिनेट यानी कि वो डोमिनेट पोजिशन पे होगी. दूसरी चीज़ ये कि मेंटल और मॉरल प्रेशर एक्सरसाइज किया जा रहा है, इमोशनली जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग करना, ये वो वाला सिनेरियो. केसेस वेयर अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट वो कौन कौन से केसेस हैं? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी यानी कि विजिबल है, एक पुलिस ऑफिसर है वो विजिबल है ना कि उसकी अथॉरिटी अथॉरिटेटिव पोजिशन है. टीचर और स्टूडेंट में विजिबल है ना कि टीचर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है. इसी तरह ये जो स्पिरिचुअल एडवाइजर में जो स्पिरिचुअल एडवाइजर में तो खैर नहीं, वो तो उनका अपना इंडिविजुअल मोटिव है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो जो टीचर की एग्जाम्पल है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिनेरियो कि मतलब इट्स विजिबल कि जो एक पार्टी जो डोमिनेंट है उसकी अथॉरिटी भी है. तो ये बात है बेसिकली. तो और अच्छा उसके बाद देखो फिड्यूशरी रिलेशनशिप. ये जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है ना इसका मतलब ये होता है ऐसा रिलेशनशिप जो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बेसिस पे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बैंक में अपने पैसे रखे हैं तो मुझे बैंक पे ट्रस्ट है ना, इसका मतलब ये कि बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्पेशली बैंक के केसेस में ये कोर्ट भी होती है, अगर आप बैंकिंग का कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर के एतमाद का रिश्ता होता है. अगर मुझे बैंक पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे जो वीक पॉइंट होता है ना इंसान का वो उसके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं और उसके बेसिस पे जो रिलेशनशिप है वो ख़राब भी होते हैं और वो डेवलप भी होते हैं. तो ये जो द्वारबारी मामला होते हैं इनमें ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर इस किस्म की कोई सिनेरियो है ये जिसमें फॉर एग्जाम्पल बैंकर है और कस्टमर है, और जो बैंकर है अगर वो इस किस्म की कोई चीज़ करता है या कोई इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो उस केस में भी जो है वो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, इस केस में भी हो सकता है. जैसे मिसाल देखिए इसकी, एन इलिटरेट एल्डरली वुमेन मेड अ डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ हर होल प्रॉपर्टी टू हर नेफ्यू हु मैनेज हर स्टेट. अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो एल्डरली वुमेन और उसके नेफ्यू की हो रही है. इसी को आप कन्वर्ट करें अगर बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप में कि कस्टमर जो है वो अपना पैसा रख रहा है बैंक अकाउंट में इन अ बैंक, तो वो जो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि जो बैंकर है या जहाँ का वो जो स्टाफ है जो मैनेजमेंट है वो उसकी जो पैसों को मैनेज कर रही है जो उसकी उसकी हिफाजत कर रही है, वहाँ पर अगर उसको प्रेशराइज करता है एक बैंकर के तुम जो है वो ये प्रोडक्ट मेरे से ले लो तो हो सकता है पॉसिबल हो सकता है. तो ये चीज इसमें फॉल करती है. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को अगर बेसिकली अंडरस्टैंड करना है तो वो ट्रस्ट के हवाले से, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के हवाले से स्टार्ट करना है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है. फिर देखो मेंटल कैपेसिटी. अच्छा अब दो पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्पररीली भी हो सकती है, परमानेंटली भी अगर कम है लेट्स सपोज ड्यू टू एज हो सकती है, ड्यू टू इलनेस की वजह से हो सकती है. तो इस किस्म के बंदे को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करेंगे तो ईजिली आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो ये भी देखा जाता है कि अगर एक दोनों पार्टीज में से किसी एक की मेंटल कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन जो है बहुत कॉमनली हो सकती है. तो ये क्योंकि देखो अगर मेरे बैंक बैलेंस का पता है मेरे बैंकर को तो अगर वो मुझसे कोई फेवर मांगता है, ये समटाइम्स ऐसे होता है कि विंडो ड्रेसिंग के केस में जो बड़े अकाउंट्स होते हैं उनसे कहा जाता है, बैंकर्स अपने टारगेट पूरे करने के लिए कह देते हैं कि आप जो है वो 2 दिन के लिए क्लोजिंग है तो आप 2 दिन के लिए इतने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दें ताकि हमारा जो टारगेट है वो मीट हो जाए, 2 दिन बाद वापस ट्रांसफर कर लें. तो अगर मेरा अकाउंट बैलेंस उसे पता है और मुझसे ये फेवर मांगता है या इस किस्म की कोई चीज़ होती है ट्रांजेक्शन हमारे बीच में तो क्या मैं मना करूंगी? मुझे तो उसने तो मेरा बैलेंस देखा तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकती. मतलब एक इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस इस केस में बढ़ जाते हैं और मेंटल कैपेसिटी के केस में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है. तो ये अभी हमने चीज़ें पढ़ी. अनफेयर एडवांटेज है फिर एक पॉइंट इसमें, पहले यानी कि पहले हमने पॉइंट पढ़ा पोजीशन टू डोमिनेट, दूसरा पॉइंट ये है कि पर्पस इन्फ्लुएंस करने का ये अनफेयर एडवांटेज. अब जैसे मैंने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में बैंकर की एग्जाम्पल दी तो वो ये एक बात विंडो ड्रेसिंग के लिए कह रहा है ना, विंडो ड्रेसिंग का मतलब उसकी उसको एडवांटेज मिलेगा अगर वो पैसे 2 दिन उसके अकाउंट में रहेंगे तो वो शो होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये शो होगा कि क्लोजिंग में इस ब्रांच में का इतना डिपॉजिट था तो उसके ऑब्वियसली टारगेट मीट होंगे. उसका उसको एडवांटेज वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अपने एडवांटेज के लिए कर रहा है, अनफेयर है जो. और इसी तरह जैसे अब अगर स्पिरिचुअल एडवाइजर है वो उससे प्रॉपर्टी ले रहा है और उसके बदले में जो भी चीज़ उसे प्रॉमिस कर रहा है तो है तो ये अनफेयर एडवांटेज ना, अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो इट इज़ नॉट राइट. तो ये बात है.
जैसे देखो अनफेयर एडवांटेज में, यहाँ जो उन्होंने एग्जाम्पल आपकी किताब की है उसमें दी है कि सी लेंट मनी टू हिज सन बी एंड ऑब्टेन अ चेक फॉर अमाउंट ग्रेटर देन द सम लेंट बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल, मतलब वो जो उसने उसको मनी लेंट की उससे ज्यादा अमाउंट का चेक उसने ले लिया, तो ये एग्जाम्पल इसमें आ सकती है। ये तो खैर एक पेरेंट उसमें सम सॉर्ट ऑफ एक आर्बिट्रेरी सी एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप जैसे वो विंडो ड्रेसिंग की एग्जाम्पल मैंने आपको बैंकर और कस्टमर के केस में दी, तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिनेरियो, अनफेयर एडवांटेज में भी और फिडिशियल रिलेशनशिप में भी वो फिट हो सकती है। तो ये इस तरह से ये सारा का सारा अंडी इन्फ्लुएंस का सिनेरियो होता है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं देखें कि कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनमें आपको लॉ ये कहता है कि, पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनमें अज्यूम किया जाता है कि अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया टीचर स्टूडेंट है, ये बहुत कॉमन होता है नॉर्मली पेरेंट्स और चाइल्ड में, स्पेशली जो फादर एंड डॉटर सन रिलेशन है सॉरी उसमें हो सकता है, ये स्पेशली हो सकता है, बाकी केसेस रिलेशन में भी हो सकता है सब्जेक्ट टू अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो जो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है आपका लॉ ये कहता है कि वो डोमिनेटिंग पर्सन पे, अगर जैसे देखो मैं पहले अब जब मैंने हमारा पॉइंट डिस्कस किया कोर्जन वाला, तो मैंने उसमें आपको ये बताया कि अग्रीव पार्टी या जिसके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है वो जाता है कोर्ट में और केस अगर फाइल करता है तो उसके ऊपर बर्डन कोर्ट डालता है कि आप प्रूफ करें कि आपके साथ ये कोर्जन एक्सरसाइज हुआ है। अब यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डोमिनेटिंग पर्सन पे लाई कर रहा है कि मैंने अगर लेट्स सपोज जाके केस फाइल किया ना कि मुझे मेरे पे अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, तो कोर्ट डोमिनेटिंग पर्सन से उस बंदे ने जिसने मुझ पे इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है उसको कहेगा कि आप सबूत लेके आए और अपने आप को डिफेंड करें। अच्छा तो ये जो है बेसिक सी बात है बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड, और इसका जो इफेक्ट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, तो जो अग्रीड पार्टी होती है उसको ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, कंसेंट दे दे उसका, और अगर चाहे तो उसको वॉइड करार दे के उसे कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर जाए। तो ये बेसिक सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है उसके तनाजुर में हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें वो एक जो वन लाइनर था जो हमने पीछे मैंने आपको सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 दिखाया, ये इतनी सी बात उसमें हुई है, ये जो बाकी एक्सप्लेनेशन है ये हमने उसमें से डिड्यूस की, उसमें से हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ब्रेक कर करके हमने उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश की कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, किस किस तरह से ये चीज़ हो सकती है, और विद एग्जाम्पल्स हमने इसको समझने की और जानने की कोशिश की। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। एंडी फ्लूज में ये बहुत कॉमनली चीजें रेगुलर बेसिस पे हो रही होती हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम इसको इतना सीरियसली लेते हैं नहीं कि हम इसके लिए कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि लोग अवॉइड ही करते हैं कोर्ट को। जी मैम। ओके अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज आपका जो LMS का लॉगिन था वो चल नहीं रहा था, और सुबह भी मैंने क्लास का लाइव लिंक अपलोड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, और अभी दोबारा जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई तो भी मैं ट्राई कर रही थी तो वो तब भी नहीं हुआ। तो अब जो है वो ऐसा आपकी फैकल्टी से सुनने में आ रहा है कि हो रहा है ठीक, तो एक बार मैं जस्ट चेक कर लूँ कि अगर ये लिंक हमारा अपलोड हो जाता है तो फिर हम मुझे 5 मिनट आप देंगे फिर हम अगला टॉपिक। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी हुआ है आपकी जो यूनिवर्सिटी की का जो QEC डिपार्टमेंट है ना, दे ज्वाइन योर क्लास और वो फिर क्लास हेल्थ रिपोर्ट पहले तो आपका डिपार्टमेंट निकालता था अब वहाँ से आती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है मैम। नहीं खुल गया है, मैं जरा ये अपलोड कर दूँ लिंक, देन आई स्टार्ट अगेन। ठीक है मैम।
चलें जी, हो गया ये तो सबमिट। चलें हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मुझे बताइएगा ये स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। जस्ट अ सेकंड, ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की अंडी इन्फ्लुएंस में, मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। पहले तो पोजीशन टू डोमिनेट, उसमें मैंने आपके साथ ये रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, और फिर जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के बारे में बात की, फिर मेंटल जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात की, और फिर जो ये हम अनफेयर एडवांटेज के बारे में बात की। इसमें पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़, और फिर जो नेक्स्ट इससे स्लाइड थी उसमें मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की और इफेक्ट की बात की। ये दो चीज़ें, ये बर्डन ऑफ प्रूफ और इफेक्ट, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये हमने हर ऑप्शन में, हर जो पॉइंट है उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि ये हर पॉइंट के लिहाज से इसकी नेचर डिफरेंट हो जाती है। इसमें अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, डिस्कस करनी हो, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलें, फ्रॉड की तरफ चलें। एक्सक्यूज मी मैम, आपने क्या बोला, किस पॉइंट को हम लोग दोबारा रिपीट करें? ये जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ द जो आपका एग्रीमेंट है, कि क्या होता है जब आपने केस फाइल हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो इसका क्या, इसका इफेक्ट होगा? अगर लेट्स सपोज ये चीज साबित हो जाती है कि हाँ ये ड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस पार्टी के साथ, ये चीज़ अगर साबित हो जाती है तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा? मैंने आपको बताया कि अंडी इन्फ्लुएंस के केस में जो कोर्ट है वो अवॉइडेबल उसका इफेक्ट करार देगी, कि जो पार्टी जिसके साथ अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो उसको वो टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, उससे एग्जिट कर दे, ये इफेक्ट है उसका। और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने ये बताया कि प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट किसको कहेगी, क्या यू हैव टू प्रूव इट, मतलब किस पे ये बर्डन है कि उसने प्रूफ करना है, अपने आप को डिफेंड करना है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो आपका वो डोमिनेंट पर्सन है जिसके खिलाफ मैंने केस फाइल किया। अगर मैं अग्रीड पार्टी हूँ, मेरे साथ अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है और मैं कोर्ट के पास अपना केस लेके जाती हूँ, केस फाइल होता है, दावा दायर होता है, तो डिफेंडेंट जो है वो कौन होगा, वो केस को डिफेंड कौन करेगा? वो आपका जो वो पर्सन जो डोमिनेंट है उसको वो प्रूफ करेगा, वो डिफेंडेंट के तौर पर पेश होगा कोर्ट में। तो ये बात मैंने बताई है कि हर केस में डिफरेंट है। अब जैसे हम कैपेसिटी ऑफ द पार्टी पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का इन केस ऑफ माइनर या इन केस ऑफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन या इन केस ऑफ अनसाउंड पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसमें देर इज नो चांस ऑफ बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो क्लियरली वॉइड है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मैंने आपको बताया था कि वो एग्रीड पार्टी पे होता है, कि जो जैसे मैं हूँ ना, अगर मैंने केस फाइल किया कि मेरे साथ मैं जो ये ज्यादा हो गई है, मुझे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट था वो दूसरी पार्टी माइनर है, मुझे इंसाफ दिया जाए, तो मैंने इस चीज़ को, मैंने एज अ डिफेंडेंट को अपने केस को डिफेंड करना है, और मैंने कहना है कि मेरे साथ ज्यादा हुई, मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जब आपने देखा, आपने अंडी इन्फ्लुएंस को देखा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो दूसरी पार्टी पे था, डोमिनेंट पर्सन पे था, उसने अपने आप को डिफेंड करना था। तो ये बात मैं कह रही थी कि ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आपने कंसिडर करना है, उसको समझना है। तो ये ओके, थैंक यू, ठीक है। तो अब देखिए फिर फ्रॉड वाला टॉपिक शुरू करें, स्टार्ट करें। यस मैम, यस मैम। देखो जो फ्रॉड है ना, और ये जो अगले दो तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा समवट इनमें जो बिल्कुल सटल डिफरेंस है, इसको समझना है। फ्रॉड मींस इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, यानी कि ऑब्वियसली धोखा देना किसी को, डिसेप्शन है ये, तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंशन होती है, सोच समझ के आप ये जो भी काम कर रहे होते हैं, वो पता होता है माइनर को कि मैं माइनर हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, लेकिन वो स्टिल उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। अब देखो इस सिनेरियो में जब एक तो पहली चीज़ फ्रॉड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि दो आर्ग्यूमेंट्स को क्लब करके भी केस कैसे अपना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। कि अब अगर लेट्स सपोज मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड ये हुआ है कि अगला बंदा जो है वो माइनर था, उसने मुझे बताया नहीं, या लेट्स सपोज धोखे से मेरे से कोई ट्रांजेक्शन में डिसाइड होगी, तो फ्रॉड का केस भी है, मतलब आर्ग्यूमेंट जो सेक्शन लगेगा वो ये सेक्शन 17, और सेक्शन जो मेजोरिटी एक्ट का जो रेलिवेंट सेक्शन होगा, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो रेलिवेंट सेक्शन जिसमें वो जिक्र हुआ होगा उस बात का, तो वो भी ऐड करके मैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि फलाने सेक्शन के तहत भी मेरे से ठीक, इसने ये गलत काम किया है, इस सेक्शन के तहत भी मेरे साथ जाती हुई है, तो मुझे रिमेडी दी जाए। तो जितने सेक्शन बढ़ते जाएंगे, जितना मेरा केस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने चांसेस ऑफ विनिंग द केस और मेरे हक में फैसला हो वो चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात थी। अब देख लेते हैं कि फ्रॉड क्या है। ये इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। इंटेंशनल ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि जानना जरूरी है, मतलब लेट्स सपोज आप मेरे साथ गाड़ी की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है ना कि कौन सी गाड़ी है। तो ये इस किस्म की ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी है और बहुत जाननी मेरे लिए बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो और उसमें आप मुझसे कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट करते हैं कि कहते कुछ और हैं और अल्टीमेटली मिलता मुझे कुछ और है। तो इंटेंशनली अगर आप कर रहे हैं, मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है,
तो उसको कहेंगे कि मेरे आप डिक्लेयर किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ कि ये फ्रॉड हुआ है. इसकी जो लीगल डेफिनेशन है एज पर द सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, फिर उसको ब्रेक करते हैं, इसके एसेंशियल्स पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं. फ्रॉड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे एक्ट जो अभी जो मैं जिसमें जो मैं बताने लगी हूँ आपको, अगर कोई कोई भी ऐसा काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है इन द आईज ऑफ लॉ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब क्या है वो एक्ट देखते हैं. कोई भी ऐसा काम जो किसी पार्टी ने कमिट किया है और विद हिज कनाइवेंस, कनाइवेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो जिसमें जिसमें आप इसका सीक्रेट मोटिव इन्वॉल्व हो. जैसे देखो इसका जो लिटरल मीनिंग है कनाइवेंस का, ये इसका मतलब है कि विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एनी इमोरल और इलीगल एक्ट. तो अगर कोई ऐसी चीज़ में आप पार्टी एक इन्वॉल्व है या कोई ऐसा वो काम कर रही है जो कि इंटेंशनल है और मिसस्टेटमेंट है, या उसका पर्पस ये है कि अगली पार्टी को डिसीव किया जाए, धोखा दिया जाए उसको या उसके किसी एजेंट को, या उसे इंड्यूस किया जाए गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंटर कर लिया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस ले ली जाए, तो इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है. ठीक है, यानी कि या तो सीक्रेटली कोई इमोरल एक्ट है या कोई ऐसी इलीगल एक्ट है और लेकिन आपने उसको नहीं बताया पार्टी को, दूसरी पार्टी को इस चीज़ का नहीं पता, या बात कुछ और है और आपने उसको एक्सप्लेन कुछ और किया ताकि उसकी आप एक्सेप्टेंस ले लें एक दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए. तो इस चीज़ से अगर कोई ऐसी चीज़ बाद में सामने आती है और ऐसी कोई चीज़ एक्सपोज होती है बाद में, तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया है अंडर सेक्शन 17. ठीक है, इसको देखते हैं, इसके एसेंशियल्स वन बाय वन इसको ब्रेक करते हैं, ये जो आपकी लीगल डेफिनेशन थी अंडर सेक्शन 17, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं. सबसे पहली जो चीज़ है वो जो पॉइंट है दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली, देखो ये इज अ कीवर्ड, इन ऑर्डर टू डिसीव अनदर पार्टी, मतलब आपने गलत बयानी की. अब देखो एक चीज में ये है कि गलत बयानी, अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहीं पे रोकूं इस पॉइंट पे कि फॉल्स स्टेटमेंट है, मैंने बात कुछ और की, एक दफा मैंने आपको एक आप साथ हमारी डील तय हो गई, एक आपको मैंने अपना वर्ड जो दे दिया कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें आपने मुझे अमाउंट डिक्लेयर कर दी, मैंने आपको उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स आपको देनी है उनकी स्पेसिफिकेशन भेज दी और हमने एक मामला तय कर लिया. अब अगर तो एक तो चीज़ ये है कि फॉल्स स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो फ्रॉड के जमरे में आएगी, आप सेक्शन 17 लगा के उस पर केस फाइल कर सकते हैं. एक चीज़ में लॉ ऑफ एस्टॉपल अगर आपको याद हो, मैंने आपको माइनर का जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर लॉ ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई हो सकता है केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. लॉयर यहाँ पर एस्टॉपल का लॉ भी ऐड कर सकता है कि एक तो फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रॉड के तहत सेक्शन 17 के तहत रिमेडी चाहिए, और लॉ ऑफ एस्टॉपल के तहत भी मुझे इस पर रिमेडी चाहिए. तो ये अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके होते हैं. एनीवेज अभी जहाँ तक फॉल्स स्टेटमेंट की बात है, फ्रॉड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि इंटेंशनली आप मिस स्टेटमेंट करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, यानी कि आप जो गाड़ी के बारे में मुझे जो सेल कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फॉल्स है और आपको पता है कि ये गलत है. पर्पज़ ये है कि धोखे से वो गाड़ी आपने मुझे बेचनी है और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है एंड यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड बिकॉज यू हैव डन इट इंटेंशनली, यू हैव मेड द फॉल्स स्टेटमेंट और पर्पज़ ये था कि मुझे जो है वो डिसीव किया जाए. तो ये बेसिकली बेसिक सी इस पॉइंट में बात है. अब जैसे किताब की अगर एग्जाम्पल देखें तो एक पार्टी है ए और उसे पता है कि जो वॉच वो बेच रहा है वो मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन वो कहता है बी को कि ये मेड इन जापान है, बी जो है वो उसे वॉच परचेज कर लेता है, तो इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड. उसकी वजह यह है कि एक तो मिस स्टेटमेंट है और मिस स्टेटमेंट इंटेंशनली है, पर्पज ये है कि अगले बंदे को धोखा दिया जाए और उसे घड़ी बेच दी जाए. तो ये बेसिकली इसमें बात है. फिर दूसरा पॉइंट देखें, इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है. अब उसे पता था कि ये उसने फैक्ट्स छुपाए ना, कंसीलमेंट है, इंटेंशनली उसने किया लेकिन उसने छुपाया फैक्ट को, तो ये भी इसमें आता है. ये भी एक इसका स्ट्रॉन्ग एसेंशियल है जिसमें मौजूद होता है इस केस में. अगर आपने फ्रॉड को साबित करना है तो उसमें ये बात भी हो सकती है कि आपसे फैक्ट अगर छुपाए जाएं, जैसे अगर कोई लेट्स सपोज कोई उसमें जैसे घर की ट्रांजेक्शन है, देखो एग्जाम्पल में अगर घर में क्रैक्स हैं या गाड़ी में के इंजन में कोई प्रॉब्लम है या गाड़ी में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसको मेकअप कर लेता है या उसको ऐसे कंसील कर लेता है कि वो डिफेक्ट छुप जाए और गाड़ी बिक जाए या घर बिक जाए और बाद में उसको चीज़ एक्सपोज हो जो बायर है, तो ये भी फ्रॉड के जमरे में आता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी, फैक्ट्स का छुपाना. फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है नॉन परफॉर्मेंस. नॉन परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, आपसे ट्रांजेक्शन मैंने डिसाइड की और लेकिन मेरी हिडन इंटेंशन ये है, बैक ऑफ द माइंड मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ये नहीं करना और ये चीज़ बाद में साबित हो जाती है, तो इसको फ्रॉड के जमरे में भी लाया जा सकता है और फ्रॉड के सेक्शन 17 के अंदर भी इसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है. बात यह है कि नॉन परफॉर्मेंस, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी कि आप इसको प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करते,
तो उसको भी फ्रॉड के जमरे में कंसिडर किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से स्पेशली. इसकी एग्जाम्पल देखो कि जैसे दो पार्टीज है उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगी इसके बदले आप मुझे इतने क्रेडिट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने गुड्स लिए हैं. अब कैसे पता चला कि उसकी इंटेंशन नहीं थी? उसकी वजह यह है कि जब पेमेंट की बारी आई तो उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लिया. जब उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि जब इसे पता था कि इसके पास पैसे नहीं है तो उसने मेरे साथ क्यों ट्रांजेक्शन की, तो फिर इस अजम्पशन की बेसिस पे मैं केस फाइल करूंगी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया. तो ये सिनेरियो होता है. इस तरह आपको दूसरे के एक्ट से उसकी इंटेंशन का पता चलता है कि इसकी ये इंटेंशन थी, इंटेंशन टू डिसीव. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका पर्पज ये था कि आप अगले बंदे को, जैसे वो जैसे हमने वॉच की एग्जाम्पल डिस्कस की या जैसे हमने हाउस की एग्जाम्पल डिस्कस की, तो बेसिक उसने ये हाइडन जो कंसीलमेंट की या ये जो उसने मिसस्टेटमेंट की वो इसीलिए की ना इंटेंशनली कि उसको उसने जो है वो मुझे चीज बेचनी थी. उसकी इंटेंशन ये थी कि मुझे धोखा दिया जाए, क्योंकि अगर उसे ये पता था कि वॉल क्रैक्स कर रही, क्रैक्स हुए हैं वॉल्स पे घर की, ये गाड़ी का इंजन खराब है, फिर भी उसने उसे छुपाया और मुझे गाड़ी भेज दी, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन थी मुझे धोखा देने की. तो ये डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस डिसेप्शन के लिए. तो ये बेसिकली जो हमने इसमें चीजें डिस्कस की. उसके बाद ये पॉइंट है जो एक्ट ऑफ ओमिशन का, ये जो पॉइंट है इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जो जरूरी मालूमात है, जैसे अभी हमने ये भी पिछले से ही रिलेट करा है कि कोई ऐसा काम जो आपने फॉर एग्जांपल आपने इंटेंशनली ओमिट कर दिया, आपने मुझे बताया ही नहीं, मतलब कोई ऐसी या मैंने पूछा नहीं और आपने बताया नहीं, मतलब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अगर आपको किसी चीज़ का पता है और इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग देन यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो आपको दूसरे बंदे को बताने होते हैं. अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आप गिल्टी ऑफ फ्रॉड हैं. तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये ट्रांजैक्शन है दो पार्टीज के बीच में, एक घर की सेल परचेज हो रही है, 50 लाख उसकी अमाउंट डिसाइड हुई है घर की. अब अगर वो घर ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है, यानी कि मैं अपना घर सेल कर रही हूँ दूसरी पार्टी को, लेकिन मैंने अभी घर अपना ऑलरेडी मॉर्गेज यहाँ पर तो सी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज बैंक से भी आप ले सकते हैं, वो पहले ही मॉर्गेज्ड है, तो आपने ये बताना है अगली पार्टी को. अगर आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है कि आपने फ्रॉड किया. तो ये चीज़ है. फिर देखो साइलेंस भी एज अ फ्रॉड समटाइम्स डिक्लेयर होता है. देखो जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि अगर मैंने आपको एक चीज़ सेल कर रही हूँ, मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे बता देनी चाहिए और मैं मुझे ये मेरा मतलब ड्यूटी भी है, अगर नहीं बताऊंगी तो फ्रॉड के जमरे में आती है. सपोज अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता पाती आपसे और आप मुझसे पूछते भी नहीं है, लेट्स सपोज मतलब इफ अ बायर डज नॉट इंक्वायर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेलर रिमेन्स साइलेंट, मतलब मुझे पता है कि इसका इंजन खराब है, मैंने आपको नहीं बताया, आपने मेरे से पूछा भी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको पूछ लेना चाहिए था, आपका भी फर्ज था कि आप पूरी इंक्वायरी करते. तो ये एक तो सिनेरियो ये होता है, लेकिन ये इस जनरल रूल में कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि ये बायर ये सेलर की ड्यूटी होती है कि उसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दे, कुछ भी चीज़ छुपाए नहीं. तो एक्सेप्शन उसे ये है कि ड्यूटी टू स्पीक एज अ सेलर, मेरी ड्यूटी है कि अगर उसने मुझसे नहीं पूछा तो मैं उसे बताऊँ, ये एक्सेप्शनल केस है. जनरल रूल ये है कि अगर बायर नहीं पूछ रहा मुझसे और मैंने नहीं बताया उसको तो मेरे पे कोई बर्डन नहीं है. लेकिन एक्सेप्शन ये है कि एज अ मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उसे बताऊँ कि ये जो इसमें प्रॉब्लम है या जो भी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ठीक ठीक उसको अगले बंदे को कम्युनिकेट कर दूं, अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर ये मैं गिल्टी होंगी फ्रॉड की. तो ये इसमें ये स्टोरी है, एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन ही पीछे भी डिस्कस हमने इसी पर्सपेक्टिव में की है. फिर अगर गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट है और टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मुझे पता है और मैंने उसको नहीं बताया, तो इसको भी एज अ मतलब साइलेंस को भी मेरा जो है वो एज अ समझा जाएगा कि मैंने उसको इंटेंशनली फ्रॉड किया है. तो ये भी मेरी इंटेंशनल डिसेप्शन समझी जाएगी कि मुझे पता है कि इसमें कोई फॉल्ट है, मतलब अगर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट उसको कह दूं और मैं उसको मतलब मुझसे पूछे कि इसका इंजन में कोई खराबी तो नहीं है, अगर खराबी नहीं है तो मैं परचेज कर लेता हूं, और मैं और खराबी है और मैंने नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि आई एम गिल्टी ऑफ फ्रॉड. अगर मुझसे पूछी गई है और मैंने उसको खामोशी इख्तियार की है, मैंने उस पर जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी फ्रॉड के जमरे में आती है. ठीक है, तो ये बेसिक्स ही इसमें फ्रॉड के केस में बातें हैं. इसका भी इफेक्ट ये है कि अवॉइडेबल होता है. पहली बात तो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसका उस पार्टी पे लाया करता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्ट कह रही हूँ ना कि मैंने इसको आगे लेके नहीं चलना, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो कोर्ट ये कहता है, मुझे कहता है कि मैं प्रूफ करूँ. अब देखें आप पिछले अंडी इन्फ्लुएंस केस में जो डोमिनेंट पार्टी थी उसको कहा गया था कि वो प्रूफ करेगा, लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है क्योंकि मैंने इस केस को डिस्प्यूट किया है, मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट मुझे मेरे पे ये ड्यूटी लागू कोर्ट की तरफ से लागू होगी कि मैं ये इसको प्रूफ करूँ.
कि जो फ्रॉड हुआ है मेरे साथ. और दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ सारे एविडेंसेस और विटनेसेस प्रोवाइड कर देती हूँ और एक ये साबित हो जाता है कि ये वाकई फ्रॉड था, तो ये मेरे पार्ट पे मुझे अवॉइडेबल होगा कि कोर्ट मुझे ये ऑप्शन देगी कि इफ़ आई वॉन्ट तो आई कैन परसू दिस, गो ऑन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं छोड़ दूँ. मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है मेरे पे. तो ये इसका इफेक्ट है और यही ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया. तो इसको यहाँ पे यहाँ तक इस हमने डिस्कशन को अभी रोक दिया मैंने, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो जाएगा इसका, काफ़ी ज़्यादा ये डेटा इकट्ठा हो रहा है. तो इसको आप इंटरनलाइज करें, इसको दो थ्रू कीजिएगा, अभी भी देखें इसमें कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है, क्योंकि ये बहुत क्लोज और बहुत ही सटल डिफरेंसेज हैं जिसकी बेसिस पे एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है, मतलब जो सर्कमस्टांसेस हमने डिस्कस किए हैं. तो इसको आपने अभी भी देख लें, इसको बाद में भी आराम से, जिसकी स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं आपसे, इसको आप देखिएगा. आप LMS पे अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ, वहाँ से भी देखें इसको. तो अगर कोई ऐसा पॉइंट देखो देखो सिनेरियोस फ्रॉड्स और ये जो अड्डी इन्फ्लुएंस हैं, ये केसेस बेतहाशा हैं. हर इंसान की ज़िंदगी में सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, इसी हिसाब से जो ओबियसली केसेस भी जा रहे होते हैं कोर्ट में वो डिफरेंट जा रहे होते हैं. हमारा जो इस वक्त फोकस है वो हमने लॉ को डिस्कस करना है. हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमारा जो स्टैट्यूट है उसको देख रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रोविजंस क्या क्या हैं, हमें क्या क्या फैसिलिटीज लॉ में प्रोवाइड की गई हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और जिनके जिनके बिहाफ पे, जिनको बुनियाद बना के हम कोर्ट से जस्टिस तलब कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं. तो हमारा जो फोकस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. हमारा फोकस इस वक्त ना सिर्फ दूसरे स्टैट्यूट्स हैं उनको पे फोकस नहीं है हमारा, और ना हम इसको सर्कमस्टांसेस के हवाले से देख रहे हैं. हम इसको, हमारा जो फोकस है वो स्टैट्यूट है, उसमें जितनी मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स और जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्कशन है वो हमने अभी शेयर की, और हमने उसको एक जो एक एक्ट उठाया, जो सेक्शन है एक सेक्शन उठाया, उसको ब्रेक किया, उसके एसेंशियल्स देखे, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्कशन की, और उसको हमने यहाँ तक तीन पॉइंट्स अभी तक हमने कंक्लूड कर लिए. तो ये सारी की सारी कहानी है. इसको आप देखें, इसको पढ़ें, अभी में देखें या बाद में भी देख लें. कोई चीज़ जो समझ ना आई हो तो मुझे बताएं, हम इस पर दोबारा बात कर लेंगे. कोई चीज़ जो ऐसी हो जो आपके दिमाग में इसके स्कोप से बाहर हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है आपके दिमाग में आए अगर, तो उस पर हम किसी प्रोफेशनल लॉयर से ओपिनियन ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम इस पर बात भी कर सकते हैं. तो ये इट्स अप टू यू नाउ. मेरे एंड से जो ये सारी डिस्कशन थी वो मैं अभी इसमें मैंने क्लोज की. अच्छा, आफिया का सवाल है कि मैम जनरल रूल क्या है कि कौन गिल्टी है इन द केस ऑफ साइलेंस एस वॉट. जनरल रूल अगर तो साइलेंस है, लेट्स सपोज मैं, जैसे मैं हूँ ना, मैं, मेरे और आफिया आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने आपके साथ आपसे गाड़ी परचेज करनी है. तो मैंने जो है वो ये कहा आपसे कि आफिया कि ये इस गाड़ी का इंजन तो ठीक है ना, मतलब मैंने आपसे ये पूछा. लेट्स सपोज पहले एक सिनेरियो तो हमने ये डिस्कस किया कि मैंने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, तो जनरल रूल ये है कि आप फ्री हैं, आप पे कोई बार नहीं है. लेकिन एक्सेप्शन मैंने आपको ये बताई थी कि यू हैव द ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी है आपकी, कि आपने मुझे बताना है अगर कोई फ्लॉ है आपकी प्रोडक्ट में. अब इस केस में जो आपने सवाल पूछा कि साइलेंस के केस में, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आप या इस गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो जनरल रूल ये है कि आपका जो साइलेंस है, यानी कि जो ये वाला पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसको एज अ फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा कि आपको पता है और मैंने पूछा है और आपने मुझे नहीं बताया, तो इट मीन्स कि ये एक फ्रॉड के जमरे में आता है. तो लेकिन अगर मैंने पूछा भी नहीं, आपने बताया भी नहीं, तो ये इस केस में जनरल रूल है कि यू आर नॉट गिल्टी. लेकिन एक्सेप्शन ये है कि यू हैव द ड्यूटी टू स्पीक बिकॉज यू आर सेलिंग, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट. तो ये दो सिनेरियोज हैं बेसिकली, कि एक सिनेरियो ये है कि जिसमें मैंने आपसे जो है वो नहीं पूछा और आप खामोश रहीं, ठीक है. दूसरा सिनेरियो ये है कि मैंने आपसे पूछा, आपको पता था, और लेकिन आप फिर भी खामोश रहीं. तो पहले केस में आप गिल्टी नहीं है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि क्यों, क्योंकि आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप मुझे बताएं, बोलना चाहिए था आपको. लेकिन जनरल रूल देखा जाए तो आप पे कोई बार नहीं है. दूसरे केस में आप पे आप यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ठीक है. तो ये सिनेरियोज हैं, सिचुएशन बेस्ड चीज़ें. दो हमने सिनेरियो डिस्कस किए और एक सिनेरियो की हमने एक्सेप्शन के हवाले से. अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों में ही आप गिल्टी है, लेकिन एक जो सिनेरियो जो पीछे वाला डिस्कस किया था हमने, ये जिसमें साइलेंस एज फ्रॉड, इसमें जनरल रूल ये कहता है कि आप अगर मैंने इंक्वायर नहीं किया और आपने बताया नहीं है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी मुझे पूछना चाहिए था आपसे. लेकिन फिर एक्सेप्शन में मैंने आपको इसमें ये बताई कि ड्यूटी तो है ना आपकी, आपको बताना तो चाहिए ना, मॉरल ड्यूटी तो है आपकी कि आप मुझे बताएं जो भी इसमें प्रॉब्लम है. तो ये सारी की सारी बात है. और फिर अगला जो ये केस है जिसमें मैंने आपको बताया कि साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, कि अब मैंने आपसे पूछा है और आपने फिस्टल आप साइलेंट रही हैं, तो ये तो यहाँ पे आप इसको डिसेप्शन के केस में लिया जाएगा कि आपने इंटेंशनली जो है वो मुझे नहीं बताया, तो ये फ्रॉड के केस में आएगा. तो ये दो सारी की सारी बातें, ठीक है, जो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की.
तो इसको देखिएगा आराम आराम तसली से इसको देखिएगा, कोई ऐसा पॉइंट हो जो बाद में डिस्कस करने वाला हो तो मुझे बता देना, हम इसमें फिर बात कर लेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में हो जो इस डिस्कशन से बाहर हो, और अगर तो मैं उसको एड्रेस कर सकी तो आई डू इट, अगर मैं नहीं कर सकी तो आई डिस्कस इट विद सम सीनियर या किसी और किसी प्रोफेशनल लॉयर से बात कर लेंगे, क्योंकि हम हमारा तो स्कोप जब हम एकेडमिक्स में आते हैं तो लिमिटेड हो जाता है ना, टूवर्ड समथिंग ये बुक्स तक ही लिमिटेड हो जाता है, मतलब स्टैट्यूट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो एज अ प्रोफेशनल लॉयर काम कर रहा होता है, उसका तो स्कोप ज़्यादा है ना, उसको तो रोज़ नई सिचुएशंस एंड केसेस देखने को मिलते हैं। अगर वो खुद नहीं भी हैंडल कर रहा तो जो कलीग्स होते हैं या जो मार्केट में सिचुएशन चल रही होती है उससे आप फेमिलियर होते हैं और आप अवेयर होते हैं, तो ये चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन थी, यहाँ पे हम अब इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और अगला टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।